हाय एवरीवन, वेलकम टू रामीज़ किचन। मैं आज आप सबके लिए तंदूरी चाप टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले मैंने 1 कप हंगर्ड लिया है, और फिर यहाँ पर लिया है मैंने 1 टीस्पून देगी मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। यहाँ पर मैंने लिए 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, 2 टेबलस्पून। एंड इसको तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक कोई लम्स रह ना जाए। और यहाँ पर मैंने लिए 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, एंड इसको भी हम अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अब इस पर मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, अगर स्किप भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का आप प्रोसेस आप सेम फॉलो कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स सोया चाप लिए, इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया। और इसको आप हम शैलो फ्राई करेंगे, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए और थोड़ी सी अंदर से प्रॉपर कुक हो जाए। और इसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया था, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा ये कुक हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब जो ये हमारा मैरिनेशन है, हम इसमें अपनी शैलो फ्राइड की हुई चाम को ऐड कर देंगे। सारी चाम को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जो ये सारी चाम पे मैंने ऐड कर दी थी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स इसमें हो जाएं। और इसको कोट कर देंगे चाम को अच्छे से, ताकि जो फ्लेवर है चाम के अंदर और इन्हेंस हो के आए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ले लिया स्क्वेयर, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके ऊपर मैंने सारी मैरिनेट की हुई चाम को लगा लिया था। गैस के ऊपर ही हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने अब ऑनियन ऐड कर दिए इसके ऊपर, और थोड़ा सा बटर। इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पुदीना और धनिए की चटनी। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और सॉल्ट एज पर टेस्ट, 2 टेबलस्पून कर्ड। यहाँ पर मैंने 1 कप कर्ड ले लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए। याद रखें कि इसमें कोई लंप नहीं रहने चाहिए। इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स करके इसमें जो हमने ब्लेंड किया था सारा मिक्सचर इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे अपने इस कर्ड में। इसको भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इसको भी मैंने ऐड कर दिया, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी का। तो यहाँ पर मैंने पूरे प्लेटर को ऑर्गेनाइज कर लिया था, सारी अपनी चाप लगा दी थी। उसके मैंने अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये मैंने अपनी प्लेटिंग कर दी थी। हमारी तंदूरी चाप टिक्का रेडी हो चुका है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।